हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख ईश्वर की पूजा लोग पूरे विधि विधान से करते हैं। अक्सर पुराणों, ग्रंथों या धर्मों से जुड़ी कहानियां में आपने देवराज इंद्र का नाम सुना होगा। दरअसल दोस्तों, इंद्र कोई विशेष व्यक्ति नहीं है बल्कि एक पद भी है, जिन्हें देवों के देव इंद्र भी कहा जाता है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है, मगर इसके बावजूद इंद्र देव की कभी भी पूजा नहीं की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है वो वजह जिसके कारण इंद्र देव की कभी पूजा नहीं की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुकुमार और आप देख रहे हैं अंशु फैक्टो यूट्यूब चैनल। इंद्र को उनके छल के कारण अधिक जाना जाता है। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए, उनमें से एक एरावत भी था। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने अत्यंत सुंदर और दिव्य गुणों वाले एरावत हाथी को अपने लिए रख लिया था। स्वर्ग पर राज करने वाले इंद्र के बारे में कहा जाता है कि अभी तक कुल 14 इंद्र हुए हैं। इंद्र एक काल का नाम है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को श्राप दिया था, जिसकी वजह से इंद्र देव की पूजा नहीं की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के श्राप देने से पहले इंद्र उत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता था, मगर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की इस पूजा को बंद करवा दिया। उनका मानना था कि ऐसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ईश्वर हो और ना ही ईश्वर तुल्य माना गया हो। गाय की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इसके माध्यम से हमारा जीवन चलता है। श्री कृष्ण के इस निवेदन पर स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र की पूजा बंद हो गई। इसके बाद धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाए और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाए। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर धारण करके सभी ब्रजवासियों को बुला लिया और गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा का और गर्जना का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण और इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए, तभी से इंद्र की पूजा प्रचलन नहीं है। तो दोस्तों, क्या इंद्र देव का पूजा होना चाहिए या नहीं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।